वालेकुम मेरे प्यारे तालिबिन साथियों, आज हम करेंगे, हम सबक पढ़ चुके हैं अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक, ठीक है, और इसके अहम अल्फाज भी कर चुके हैं। हमें अब करना है इसकी खाली जगह कंप्लीट। सफ़ा नंबर 53, 53 पर से मश्क नंबर 1 को हल। तो मश्क नंबर 1 को हम किस तरीके से हल करेंगे, जुमले मुकम्मल कीजिए। देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है सैयदना साबित बिन कैस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की आवाज़ बहुत दैश थी। कैसी थी उनकी आवाज़? बहुत कबूल, ज़ाया, बुलंद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आहिस्ता। देखिए, इन्होंने नीचे हिंट्स भी दी हुई है, इनमें से कोई जवाब इनके अंदर आएंगे। फिर दूसरा है, अपनी आवाज़ को डैश की आवाज़ से बुलंद ना करो। क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। और पहले में क्या था? साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह की आवाज़ बहुत बुलंद थी। कैसी थी? बुलंद थी, ठीक है। फिर क्या है? अपनी आवाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। फिर अगला क्या है? सहाबी ने समझा कि उसकी आवाज़ नेक अमल, उसकी नेक अमल जो है वो डैश हो गए हैं। क्या हो गए? उसके नेक अमल ज़ाया हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंचा बोलने से नेक अमल डैश हो जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंचा बोलने से नेक अमल ज़ाया हो जाते हैं। दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में ज़ाया ही आएगा और बुलंद नबी करीम। अब ये खाली जगह आपने, अब मैंने यहाँ समझा दिया आपको, अब इसी तरीके से आपने इन खाली जगहों को अपनी कॉपी के अंदर करना है, ठीक है। जजाकअल्लाह।